सतना मेडिकल स्टोर पर हमला, व्यापारी समुदाय की सुरक्षा की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सतना शहर के भरहुत नगर क्षेत्र में हाल ही में एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें दर्जनों गुंडे आतंक का नंगा नाच करते हुए एक मेडिकल स्टोर पर हमला किया और दुकानदार पर जमकर हमला किया। इस दर्दनाक हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस घटना के पीछे भरहुत नगर में स्थित नाहर नर्सिंग होम के पास संचालित एक मेडिकल स्टोर पर हमला किया गया। इस हमले में दर्जनों बदमाश हाथों में डंडे, रॉड और चाकू लेकर पहुंचे और उत्पात मचाया। वे मेडिकल स्टोर और उसके चालक क्लिनिक में घुसकर सामान को तोड़फोड़ करने लगे और दुकानदार शरद वाधवानी पर हमला करने लगे। घटना के समय बदमाशों के पास डंडे, रॉड और चाकू थे और वे बिना किसी भी रोक टोक के उत्पात मचाने लगे। दुकानदार शरद वाधवानी पर हमला हुआ और वह जमकर पिटाई का शिकार हुए। इस बीच जब सुरक्षा समस्याओं की वजह से घटना को देखने आए आसपास के लोग, तो बदमाशों ने सड़क पर आकर लाठियों का इस्तेमाल करना शुरू किया और पत्थर फेंकना भी शुरू किया। इस हमले की दुखद तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों पर भी रिकॉर्ड हो गईं। यह भी जानकारी मिली है कि इस हमले के लगभग एक घंटे पहले बदमाश शरद के मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे और वहां किसी को तलाश कर रहे थे। शरद ने जब उन्हें उस स्थान से बाहर जाने के लिए कह दिया था कि वे वहां कुछ करने के लिए नहीं हैं, हमले के बाद उन्होंने हाथों में डंडे, रॉड और चाकू लेकर वापस आकर क्रियाशील हो गए और इस घटना को अच्छे से प्लान किया गया। मेडिकल स्टोर के संचालक शरद वाधवानी और उसके साथी जितेंद्र दोनों को इस हमले में गंभीर चोटें आई हैं। हमले के दौरान शरद और उनके साथी दोनों घायल हो गए। इस हमले के बाद व्यापारी समुदाय ने तुरंत थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और व्यापारी शरद वाधवानी, जितेंद्र सिंह, रोमिल छाबड़िया, राहुल छाबड़िया, रवि बसंतानी और अन्यों ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने इसके बाद आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 294, 506 और 327 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाशी शुरू की है। यह दर्दनाक हमला सतना के भरहुत नगर क्षेत्र में हुआ और इसके बाद से ही वहां के लोग डरे सहमे रह गए हैं। सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं और लोग अब और भी सतर्क और सुरक्षित रहने के उपायों की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है, ताकि ऐसे घातक हमलों को रोक सके और समाज में सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। हम आशा करते हैं कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी और न्याय हासिल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।